दिवाली आने से पहले घर की लोग साफ सफाई करते हैं, साथ ही अपने घर को बहुत अच्छा सजाते भी हैं। दिवाली सजावट की शुरुआत ही घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाकर की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए आपको बताते हैं कि तोरण लगाना शुभ क्यों होता है और साथ ही आपको कौन सी तोरण लगानी चाहिए। तोरण को बंधनवार भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के स्वागत और उन्हें प्रसन्न करने के लिए दरवाजे पे इसे लगाना शुभ माना जाता है। इसे शुभ मौकों पर लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तोरण लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दरवाजे से ही वापस चली जाती है। वहीं आपको बता दें, तोरण कई तरह के बनाए जाते हैं। तोरण आम के पत्तों के भी बनाए जाते हैं, वहीं धान की बालियों से भी तोरण बनाए जाते हैं। वहीं गेंदे के फूलों से बने तोरण को भी आपने दरवाजों पर लगा देखा होगा। समय बदलने के साथ साथ आप तोरण की बनावट में भी बदलाव आ चुका है। तोरण को आज भी डेकोरेशन का खास हिस्सा माना जाता है, लेकिन अब इसमें आम के पत्तों, धान की बालियों और गेंदे के फूलों की जगह पर मोती, कलश, आर्टिफिशियल पत्तों, रंग बिरंगे फूल और रंग बिरंगे कपड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि आपने पेपर तोरण भी देखी होगी, जो कि अलग अलग कलर के पेपर से बनाई जाती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती है।